पांडेसरा इलाके में महिला के घर में पुलिस का छापा। पुलिस ने 1 किलो 857 ग्राम गांजा बरामद किया। गांजा प्रकरण में अनीता मारवाड़ी को रेखा सिंह को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री द्वारा सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सूरत पुलिस ने अब तक करोड़ों का गांजा पकड़ने के साथ साथ कई ड्रग्स माफियाओं और इन प्रवृत्तियों लिप्त आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों में डाला है और अभी ये अभियान यथावत है। पांडेसरा पुलिस को एक महिला के घर में गांजा होने और उसकी बिक्री के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस एक टीम ने गोवर्धन नगर के एक मकान में छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर से रानी उर्फ अनीता सिंह को गिरफ्तार किया और उसके घर में से 1 किलो 857 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अनीता उर्फ रानी से पूछताछ करने पर उसने कबूला की श्रवण मारवाड़ी और उसकी बहन अनीता मारवाड़ी ने उसे गांजा रखने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने अनीता मारवाड़ी को गिरफ्तार किया, जबकि श्रवण मारवाड़ी अभी फरार है। उसके खिलाफ पहले भी 5 अपराध दर्ज हैं। रानी उर्फ रेखा उसके घर पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। श्रवण और उसकी बहन अनीता ने रानी को गांजा रखने के लिए दिया था। पुलिस फरार श्रवण मारवाड़ी की तलाश कर रही है। माननीय HM सर और CM सर की नो ड्रग्स इन सूरत सिटी पॉलिसी है, इसके तहत ड्रग्स पे लोकल पुलिस काफ़ी नज़र रखे हुए रहती है। तो पांडेसरा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक रेखा सिंह, वाइफ ऑफ पंकज सिंह, ये गोवर्धन नगर प्लॉट नंबर 6 गोवर्धन नगर सोसाइटी पांडेसरा मूल ये यूपी की रहने वाली है, इसके घर पे गांजा होने और वहाँ से बिक्री होने की इन्फॉर्मेशन मिली। तो टीम बना के सरकारी गवाह लेके जब इसके घर पे रेड की गई तो वहाँ से 1 किलो 857 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 18,570 रुपये है, वो गांजा वहाँ से बरामद हुआ। उसको पंचों के रूबरू गांजे को सीज किया गया। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये जो लेडी है रानी उर्फ रेखा सिंह, ये श्रवण मारवाड़ी के घर पे झाड़ू पोछा का काम करती है और श्रवण मारवाड़ी और उसकी बहन अनीता सोलंकी, इन दोनों ने उसको वो गांजा दिया था। एक बार पहले भी गांजा दिया लेकिन तब इन्होंने वापस कर दिया। इसके लेडी के हस्बैंड ने इससे झगड़ा किया, लेकिन इस बार श्रवण और उसकी बहन अनीता के कहने पर इसने गांजा अपने घर पे रखे रखा। तो अभी रानी रेखा सिंह को और अनीता मारवाड़ी को, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और श्रवण मारवाड़ी अभी घर से फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। श्रवण मारवाड़ी पे ऑलरेडी 5 गुना पांडेसरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को मारपीट का वीडियो था। वो जो मारपीट में जो महिला थी वो श्रवण मारवाड़ी की माँ थी और कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन अभी इस केस में चल रहा है और ये 6ठा गुना जो है वो श्रवण मारवाड़ी पे दाखिल हुआ है। तो पुलिस उसकी तपास कर रही है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, दूसरी अकेले वो अनीता सोलंकी, वो कौन है, किस तरह से इस केस में सम्मिलित है और उनका किस तरह से वीडियो वायरल का थोड़ा केस है? पहले इनका एक 15/8 को एक नंदन मिश्रा करके लड़का है जो वहीं पे रहता है। इनका आपस में पुराना 2019 से एक मर्डर को लेके, जो ये श्रवण मारवाड़ी है इसके भाई का भी मर्डर हो चुका है और वो नंदन मिश्रा है उसके भाई का भी मर्डर हो चुका है, इनका उसको लेके कंटिन्यू विवाद है। तो 15 अगस्त को भी इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का वीडियो भी वायरल हुआ था और उसमें एक केस में क्रॉस FIR में एक केस में ये अनीता अक्यूज थी। उसके बाद में इसका इसने हमारे कमिश्नर सर के ऑफिस के सामने भी, कमिश्नर सर से मिलकर भी रिक्वेस्ट की थी कि मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिसकी सही तरीके से तपास चल रही है। मेरे पर्सनल सुपरविजन में दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन हुई है और बाद में अभी ये एक गुनाह इनके ऊपर दाखिल हुआ है। सर, ये गांजा कहाँ से लाते थे और क्या है? अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये लोग उड़ीसा से लाते थे। बाकी जब श्रवण पता पकड़ा जाएगा उसके बाद में सही चीज़ें जो है वो सामने आएंगी और आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।